अब ब्लैकलिस्ट में आती है, ब्लैकलिस्ट में आती है और उसकी वजह से सब दवा डेवलप हो गया। और अमरावती में 12 तारीख को 40,000 मुस्लिमों का मोर्चा निकला, उन्होंने 13 दुकानें तहस नहस की, लोगों को मारा। अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होने की बजाय हम जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और अभी हम सब लोग आज से सवेरे मेरे घर पे जय श्री राम, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। भैया 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 जय श्री राम, भारत माता की जमानत याला सकाळी पोलिसांनी अरेस्ट केली आणि आम्ही पूर्ण पोलिसाला सहकार्य करतो आहे। पण पोलिसांकडून हीच अपेक्षा आहे की रजा अकादमी आहे त्यांच्यावर तातडीने बंदी घालावी आणि कोणती घटना घडली नसताना हा मोर्चा का निघाला याची चौकशी केली पाहिजे। आणि जो मकानदार म्हणून जो अधिकारी आहे ज्यांनी फुकट कुठल्याही प्रकारची परिस्थिती असताना लाठीचार्ज केली राजकमल चौकात त्याच्यावर निलंबन करा। किती लोक आहे तुम्ही सध्या अटक केली आहे? सध्या 14 लोक आहोत, आमच्याला अटक केली आहे। आता उस अंतर्गत हम 14 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अरेस्ट किया है, हम उनको सहकार्य कर रहे हैं। पर जो रजा अकादमी जिन्होंने मोर्चा निकाला था, जो घटना घड़ी नहीं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो रजा अकादमी बैन किया जाए महाराष्ट्र में। और कल के जो परसों के जो मोर्चा पे जो लाठीचार्ज किया मकानदार ने, उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, उस पर निलंबन करना चाहिए। अभी कितने लोग आपको अरेस्ट? अभी हम 14 लोग यहाँ पर अरेस्ट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम पुलिस को पूरा सहकार्य कर रहे हैं। लग्नाची गाडी होती हां, येऊ दे हळूहळू हळूहळू, हां येऊ दे। बस गाडी आहे।